सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सैयदिना लिजुम व सैयदतिना फातिमा व सैयदतिना ज़ैनब व सैयदिना हसन व सैयदिना हुसैन अलैहि सलाम व अला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लम व सल्ले अलैहि। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन। ख़वातीन व हज़रात, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं 92 न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन जो मुहर्रमुल हराम के इस मौका पर आप लोगों के सामने पेश की जा रही है। इस ट्रांसमिशन का नाम है सलाम शहदाए करबला। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ है। मुहर्रमुल हराम बहुत ही हुर्मत वाला, एहतराम वाला, मोहतरम महीना है। ये इस्लामी कैलेंडर का वो पहला महीना है कि जिसका आगाज़ होता है इमाम हुसैन अलैहि सलाम की ज़िबह अज़ीम, एक ऐसी अज़ीम कुर्बानी से। और इसी इस्लामी कैलेंडर का जो इख्तिताम होता है वो ज़िबह इस्माईल, यानी इमाम हुसैन अलैहि सलाम के जद्द अमजद की कुर्बानी पे ख़त्म होता है। और अगर हम यूँ कहें कि वो सिलसिला कि जिसका आगाज़ उस दौर में हुआ, ज़िबह इस्माईल से हुआ, उसको आगाज़ और उसको मंजिल तक पहुँचाया आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के फ़र्जंद, उनके नवासे, जवानान जन्नत के सरदार इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने। कौन है हुसैन? इनका तारुफ आका की ज़बान से हमने बारहा सुना, ये कहते सुना कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। मैंने आका का फरमान आपके सामने पेश किया, मैंने उसका तर्जमा भी आपके सामने पेश किया, मगर इसकी तशरी कुछ अशआर के साथ आपके सामने पेश करूँगी। क्या खूबसूरत तरीके से जो शायर है बयान करता है कि करबला की खाक पर क्या आदमी सजदे में है, करबला की खाक में क्या आदमी सजदे में है, मौत रुस्वा हो चुकी है, ज़िंदगी सजदे में है, और वो जो एक सजदा अली का बच रहा था वक्त फज्र, वो जो एक सजदा अली का बच रहा था वक्त फज्र, फातिमा का लाल शायद अब उसी सजदे में है, और सुन्नत पैगंबर खातिम है सजदे का ये तूल, कल नबी सजदे में थे आज एक वली सजदे में है, और वो जो आशूरा की शबगुल हो गया था एक चराग, अब कयामत तक उसी की रोशनी सजदे में है, और हश्र तक जिसकी कसम खाते रहेंगे अहले हक, हश्र तक जिसकी कसम खाते रहेंगे अहले हक, एक नफ्से मुतमईन उस दायमी सजदे में है, और नो के नेज़ा पर भी होनी है तिलावत बाद असर, मुसहफ़े नातिक तई खंजर अभी सजदे में है, और आखिर में के इस पे हैरत क्या लरज उठी ज़मीने करबला, राकिबे दोशे पयंबर आखिरी सजदे में है। ख़वातीन हज़रात, आज जब पहली मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होता है तो हम हर तरफ वो सदाएं सुनते हैं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। ये तमाम जो वो रूहें हैं, वो नफूस हैं, जो पाक नफूस हैं, जो लब्बैक कहते हैं इमाम हुसैन की तरफ, ये इस बात की गवाही है, ये इस बात की शहादत है कि जो आका ने कहा था हुसैन और मिन्नी व अना मिनल हुसैन। एक और कॉल आका का आपके सामने पेश करके इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आका दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरे हुसैन की जो शहादत है ना, मेरे हुसैन की शहादत से मोमिनीन के दिलों में ऐसी हरारत पैदा होगी जो कभी ठंडी ना हो सकेगी।
इसीलिए जब पहली मुहर्रम उल हराम आती है, जब भी ये महीना आता है तो ऐसी आग लग जाती है, ऐसी अंदर जी चाहता है कि अपने किरदारों को बदल दिया जाए, जी चाहता है कि हल मिन नासिर यंसुरना की जो सदा आज से 1400 साल पहले हमारे इमाम ने बुलंद की थी करबल के मैदान में, उस पे लब्बैक कहें। हम सब जानते हैं कि ये जो शहादत है ये विरसा है खानवादे रसूल अकरम का। आज का जो हमारा प्रोग्राम है पहला, इस नशिस्त में, इस मजलिस, इस महफिल में आज हम शहादत ही के मफहूम को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि क्या मकाम है शहदाए करबला का। ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ बहुत ही मोहतरम जो हमारे आज के गेस्ट्स हैं उनका आपसे तारुफ करवाना चाहूँगी। मेरी उस्ताद हैं, बहुत मोहतरम मेरे लिए, सैयदा ज़िया बतूल साहिबा, बेहद शुक्रिया आपकी आमद का। उनके साथ हैं जी प्रोफेसर नुरीद फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हमारे साथ जो हमारी तीसरी मेहमान हैं, खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज की मालिका हैं मरियम मुनीर साहिबा, बहुत शुक्रिया। आगाज़ गुफ्तगू करेंगे मैं ज़िया बतूल साहिबा आपसे कि शहादत कि जब ये महीना आता है तो जैसा कि मैंने जुमला कहा, जो मेरा जुमला नहीं है, इमाम सैयद सज्जाद का ये जुमला है कि ये जो शहादत है ये हमारा विरसा है। बड़ी अहमियत इसलिए भी लगती है कि इमाम इस बात के ऊपर फ़ख्र कर रहे हैं। शहादत का फ़लसफ़ा क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द व सना है खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समावात के लिए, और बेहद दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, उनके अहले बैत अतहार पर, और शाह शहीदान करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, और तमाम शहदाए करबला पर, और असीरान करबला पर। ये जो आज के दिन की अहमियत के हवाले से और आशूरा मुहर्रम के हवाले से जिस तरह से आपने बात की और आपने उसके बहुत से पहलुओं पर रोशनी डाली, तो अगर हम ये कहें कि जो करबला है उसका जो फ़लसफ़ा है वो है ही शहादत का फ़लसफ़ा, जो आज का मौजू है कि फ़लसफ़ा शहादत क्या है और उसकी क्या अहमियत है। तो अगर आप शहादत की बात करते हैं तो शहादत वो अमर है जिसको सरंजाम देने वाला शहीद कहलाता है। बिल्कुल। अच्छा, शहीद जहाँ शहादत का फ़लसफ़ा समझने की ज़रूरत है उसके आपको ये भी आपके सामने हैं चीज़ें कि अगर आप कुरान करीम में सूरह बकरा की वो आया मुबारक आपके सामने से गुजरी होगी कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएँ, जो शहीद हो जाएँ, उनको मुर्दा मत कहो, बेशक वो हमारे हाथ से रिस्क पाते हैं, वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें उसका इदराक नहीं है, तुम्हें इसका शऊर नहीं है। तो इसलिए शहादत जो है वो उसका जो मकाम और मर्तबा है वो हमें बहुत सारी अहादीस मुबारका में और तमाम आया मुबारका में बार बार अल्लाह ताला जो है, जो अल्लाह की राह में निकलते हैं, जो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलते हैं, उनकी फजीलत का आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उनके तो घोड़ों के सुमों से उठती हुई चिंगारियों की भी कस्में खाई हैं कुरान ने। तो आप ये देखें कि उनकी तलवार है, उनका जिहाद है, और जिहाद की फिर बहुत सी किस्में हैं, आपको मालूम है कि उसमें जिहाद ज़बान से भी किया गया है, कलम से भी किया गया है। जो सबसे अफजल है इनमें से वो जान का जिहाद है जिसमें शहादत का मर्तबा फिर आपको हासिल होता है। ठीक, अब शहीद किसे कहते हैं? शहीद वो है कि जो इस बात का इस कदर यकीन हो उसको कि उसके जो हक का रास्ता है उसमें वो अपनी, ये नहीं कि शहीद सिर्फ अपनी जान की कुर्बानी देता, जान की कुर्बानी वो अपने औज पर पहुंच जाता है, मतलब उसका जो अतमाम है उसके जिहाद का वो वहाँ पर जाकर होता है, जिसको कामिल शक्ल इख्तियार कर लेता है जब वो अपनी जान की कुर्बानी देता है। लेकिन उससे पहले ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं कि जिनके लिए अपने जानो माल की, अपनी औलाद की, अपने कुनबे की, अपने अहलो अयाल की, अपने वतन की, अपनी किसी शय की कोई अहमियत नहीं होती। इनके दिलों में सिर्फ एक शमा रोशन होती है जो हक की शमा होती है, और ये वो हक परस्त होते हैं जो जब अपने अल्लाह की राह में, अपने जिहाद की राह में निकलते हैं और हक परस्ती के लिए अपनी शमों को रोशन करते हैं, तो फिर ये अपने सर अपनी हथेली पर लेके निकलते हैं। और इनका मतमा नज़र क्या होता है, जिसको अलामा इकबाल ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन।
शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। जब ये इस रास्ते पर निकलते हैं, इस जज्बे से निकलते हैं कि ना इनको माल गनीमत से दिलचस्पी है ना इनको किश्वर कुशाई से दिलचस्पी है, तो वहाँ फिर उस सवाल का भी जवाब आपके सामने आ जाता है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहादत की एक मंजिल को पाने के लिए निकले हैं मदीना से, और वो जब रवाना हुए हैं सफ़र पर, तो आप उसमें ये देखें कि उन्होंने अपने मकासद को शुरू में उसी तरह से वाज़ेह किया जैसे अल्लामा ने फरमाया कि न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। बिल्कुल, कि जब आप वहाँ से रवाना हो रहे हैं मदीना से, तो क्या फरमाते हैं कि या अल्लाह तू जानता है कि मैं बदी से दूर भागता हूँ और मैं नेकी को पसंद करता हूँ। फिर अपने भाई जो हैं इमाम इब्ने हनफिया, उनसे जब बात करते हैं तो उनको भी ये कहते हैं कि जी मैं निकल रहा हूँ अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए। तो इमाम ने अपने मकसद को भी वहाँ वाजे कर दिया। अब जो लोग इस रास्ते पर निकलते हैं, तो फिर अल्लाह ताला, वो भी अल्लामा इकबाल ने बड़े अच्छे तरीके से फिर उसको समअप किया कि वो जो मुख्तलिफ अंदाज उनके बताए कि जो लोग फिर शहादत के रस्ते पर निकलते हैं, तो अल्लाह ताला फिर उनके लिए क्या करता है कि जन्नत तो उनके लिए एक मामूली चीज़ है ना, कि अल्लाह ने खुद वादा फरमा दिया कि वो तो जिंदा है, उनको तो मौत आती ही नहीं है जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाते हैं, और उनको जन्नत के आला तरीन मकाम अता किए जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि अलामा भी उसको दुनियावी लिहाज से भी कैसे समअप करते हैं कि वो कहते हैं कि सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। तो जो पहाड़ जैसी शय है वो भी जब उस जज्बे को देखती है जिसे हम जज्बा शहादत कहते हैं, तो जब शहीद जो है वो जज्बा शहादत से लबरेज अपने रास्ते पर निकलता है, तो सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। तो ये अब आप ये देखें कि जो पहाड़ जैसी शय है वो भी उनको राई जैसी नज़र आती है, क्योंकि अल्लाह ताला शहादत की वो हरारत है, ये वो जज्बा है जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम आली मकाम ने फिर शहादत का जो फ़लसफ़े की बात है, तो ये तो बस इन दो अशार में मैं आपके सामने ज़रूर इसका जिक्र करूंगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस पे वो मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि ये चीज कयामत तक के लिए वाज़े कर दी है कि करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी ए हयात का ये सरमदी उसूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेजे की नोक पर, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेजे की नोक पर, लेकिन यजीदियों की अतात न कर कबूल। तो ये कयामत तक के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फलसफा शहादत को इस तरह से हमारे सामने वाजे कर दिया कि हम आज कयामत तक भी कोई भी कौम हो, इसमें खाली मुसलमानों की तख्सीस नहीं है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फलसफा शहादत है और जो दर्जा उन्होंने पाया है, जिसकी वजह से आज भी उनका नाम जो है इतने 100 साल के बाद भी इस तरह से जिंदा है, जैसे आपने कहा कि वो हरारत कभी सर्द नहीं होगी मोमिनों के दिलों से, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पाई जाने वाली हरारत है, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस फलसफा शहादत से हर कौम के लिए एक मयार मुकरर कर दिया है कि जहां पर भी बातिल और हक के दरमियान मार्का हो तो फिर अपनी जान हथेली पर रख के निकलो, सब अपनी जान का नजराना वैसे पेश करो जैसे इमाम आली मकाम ने पेश किया। सुभानअल्लाह, जज़ाकअल्लाह, बहुत खूबसूरत तमहीद। मैं प्रोफेसर नुरीद फातिमा साहिबा चाहूँगी कि आगाज़ गुफ्तगू है मफहूम शहादत, फलसफा शहादत बहुत खूबसूरती से बयान हुआ, मफहूम शहादत उसकी अहमियत उसकी फजीलत क्या है इस्लाम में? बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सलम। मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल करीम का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे, आपको, हम सबको ज़िक्र शुहदा, ज़िक्र करबला और उनकी अजीम हस्तियों की बारगाह में उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करने की ये सआदत बख्शी, और उसके बाद चैनल 92 न्यूज़ के मालिकान से लेकर और उसकी टीम पूरी जो इस इबादत में हमारे साथ शरीक है, वो बिला मुबालगा एक बहुत बड़ी और मकबूल इबादत में शरीक हैं, तो वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह करीम यकीनन इसको हमारे लिए तोशा आखरत बनाएगा, क्योंकि जो मोहब्बत होती है वो कभी रद्द नहीं की जाती। तो जिक्र है शहदाए करबला का, और ये जो सीरीज़ है आज बहुत ही खूबसूरत आपने उनवान चुना कि शहदा जो है वो उनका फजीलत, मकाम, मर्तबा और शहादत की अहमियत क्या है। और अमूमन हमारे प्रोग्राम्स के अंदर इस हवाले से गुफ्तगू बड़ी ज़िमनन होती है, अलग से इस मौजू को मुंतखब करके शहादत के मफहूम को आज के जो मुसलमान हैं, आज का जो करबला से दर्स लेने के लिए हमारा स्टूडेंट, हमारा लर्नर, हमारी ख्वातीन, हमारे लोग अगर जो बैठे हैं, तो उनको शायद हम उस तरह से ये मफहूम खोल के नहीं बताते। तो बहुत ही खूबसूरत आपने आगाज़ किया
किया और ज़िया बतूल साहिबा ने उसके ऊपर रोशनी डाली मफहूम के हवाले से। मैं दो तीन अशार से अपनी बात शुरू करूँगी, उससे फिर यकीनन हमारे सामईन को शहादत का जो असल रूह है उसका अंदाज़ा होगा। किसी ने बड़ी ही खूबसूरत शहादत के हवाले से अपनी मारूज़ात लिखी कि चमकता है शहीदों का लहू फितरत के पर्दे में। वाह वाह, चमकता है शहीदों का लहू फितरत के पर्दे में, शफक का हुस्न क्या है, फूल की रंगी कबा क्या है, और शहीदों का लहू वो नूर है जिसकी तजल्ली से। अब कुरान की आयत में इस पर बाद में लाऊंगी कि शहीदों का लहू वो नूर है जिसकी तजल्ली से यकीन अफराद का कौमों का मुस्तकबिल संवरता है और इसी की ताबिशों से आसमान फिक्र दानिश पर, इसी की ताबिशों से आसमान फिक्र दानिश पर नई सुबहें बिखरती हैं, नया सूरज निकलता है। क्या कहने, ये कुरान की वो आयत करीमा जिसका हवाला ज़िया बतूल साहिबा ने दिया। मैं उससे आगे बात बढ़ाती हूँ। सूरह बकरा के अंदर ही अल्लाह ताला जो इरशाद फरमाते हैं कि उनको मुर्दा मत कहो, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। अब उससे अगली कुरान की आयत देखिए, 169 है सूरह आले इमरान, वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, के और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें हरगिज़ मुर्दा ख्याल भी ना करो, गुमान भी ना करो, बल्कि वो अपने रब के हुजूर जिंदा हैं और उन्हें रिस्क दिया जाता है। अब उससे आगे आइए, हम जो करबला के शहदा और आज के दिन तक आलम इस्लाम के अंदर जो जो फर्जंद इस्लाम जिस जिस महाज के ऊपर शहादत कबूल करता है, क्योंकि शहादत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग के अलावा भी अकसाम बयान फरमाई। आपने इरशाद फरमाया कि जो जल के मरे वो भी शहीद, जो पानी में डूब के मर जाए वो भी शहीद, जो शहादत की आरजू लेकर बिस्तर पर मर जाए वो भी शहीद है। फिर उसके अलावा जो अहले बैत की मोहब्बत अपने दिलों में लेके मर जाए वो भी शहीद है, और जो सेल्फ डिफेंस के अंदर अपनी जान और अपने माल की हिफाजत में इस दुनिया से जाए वो भी शहीद है। अब देखिए कि सिर्फ वही नहीं कि जो मैदान जंग में बातिल के मुकाबिल लड़ा, कितने लोगों को शहादत का दर्जा मिला। उसके बाद कुरान क्या क्या कहता है, फरीहीन बिमा آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون। سورہ آل عمران کی اس اگلی آیت ہے۔ फ़लसफ़ा शहादत को समझने के लिए इससे खूबसूरत चैप्टर और कोई नहीं कि वो हयात जाविदानी की इन नेमतों पर जो अर्श के साए में उनको किंदीलों की ज़िंदगी और जो सब्ज़ परिंदों की शक्ल में अल्लाह ने उनको हयात जाविदानी दी है, ये उन नेमतों की तरफ इशारा है। अहादीस के अंदर जिनका जिक्र हुआ कि वो क्या है, शादा और फरहा हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमा रखी है, और अपने इन पिछलों से भी जो ताहाल इनसे नहीं मिल सके उन्हें ईमान और ताकत की राह पर देखकर खुश होते हैं और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो रंजीदा होंगे। अब कॉमन सेंस की बात है कि बंदा जब इस दुनिया में आता है एक जी शऊर इंसान अपनी खिलकत का मफहूम और उसका मकसद जानने की कोशिश करता है कि अल्लाह तूने मुझे क्यों पैदा किया। अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया कि वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने अपना बंदा बनने के लिए पैदा किया। अब अल्लाह से पूछा कि अल्लाह ताला बंदे तेरे तो बहुत सारे हैं जिनको तूने पैदा किया, ऐ अल्लाह तू किस बंदे की बात करता है। अल्लाह ने कहा हिदायत वाले लोगों का रास्ता मांगो, इहदिनस सिरात मुस्तकीम सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम। जब पूछा इनाम याफ्ता बंदे कौन, फिर चार गिनवा दिए कि अंबिया हैं, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। सूरह निसा की इस आयत करीमा की रोशनी में अल्लाह ने शुहदा को जो तीसरे दर्जे पर रखा वो अल्लाह के वो बरगुजीदा मुकर्रबीन हैं जो उसकी खातिर उसकी राह में, जैसे ज़िया बात कर रही थी कि अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद कीमती तरीन मता लेके आए हैं, बारी ताला जान तूने दी है, सबसे कीमती चीज़ है, इसको तेरे नबी पर, तेरे नबी के दीन पर, उसकी अकदार के ऊपर। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का और रिसालत का और नबूवत की सिफात का इत्माम अल्लाह ने फरमाया और मेराज फरमाई, इसी तरह जैसे आपने इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, नहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माईल, अल्लामा ने यूँ ही नहीं कहा, यहाँ भी
शहादत को इत्माम और उरूज मिला, उसको वो बामे उरूज मिला कि कयामत तक आने वाले तमाम शहादा सैयदुश शहादा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस फलसफे से खराज पाते रहेंगे कि शहीद इस दारे फ़ानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, ज़मीन पर चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। ये उन्हीं के खून की हिद्दत और बल्कि मैं कहूँगी नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी रगों के अंदर था, ये उसकी हिद्दत है। ये शहादत का वो फलसफा है जो आज मैं समझती हूँ इसको समझने की ज़रूरत है कि ये हयात दाइमी है और इसके बदले में मिलेगा क्या क्या। एक शहीद को 7 अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग्स अता की जाती हैं। सबसे पहले तो उसको दर्जा ईमान पर फाइज करके, मैं यहाँ पर आपको थोड़ी कता कलामी माफ़, जब आप शहादत हासिल करते हैं तो आपको मिलता क्या है, ये बड़ी मैं समझती हूँ सोच तलब बात है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि वो जो शहीद हो जाते वो तो इस दुनिया से चले गए, मगर आज भी हमारे मुल्क के अंदर ऐसी माएँ हैं जो जब उनके बच्चे इस मकाम पर फायज होते हैं, उनको शहादत नसीब होती है, तो वो क्या जज्बा लेकर आती हैं। जैसे कि आपने तस्करा किया, मिलता क्या है शहदा को अल्लाह की राह में, हक की राह में बातिल के सामने डट कर ये बताना कि हम उस रब्बे कायनात के मानने वाले हैं, वो क्या मिलता है वो जानेंगे इंशाल्लाह। अभी रुकना है हम एक छोटे से वक्फे के लिए, मगर जाते जाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बहुत ही खूबसूरत दुआ और एक खूबसूरत बात इमाम फरमाते हैं कि ऐ रब जिसने तुझे पाया उसने क्या खोया और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। बस ये शहादत अल्लाह सुबहाना बताला की रज़ा को, उसके उसकी खुशनुदी ही को तो पाना है। और आज तस्करा अपने इस प्रोग्राम में यही होगा कि इसका मफहूम क्या है, शहादत पा के मिलता क्या है, क्या शहादतें हैं जो हासिल होती हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, वापस आएंगे इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम शहदाए करबला। या हुसैन सलाम, या हुसैन सलाम, या हुसैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम सलाम शहदाए करबला में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो टॉपिक हमारा है बेहद खूबसूरत और ये ऐसा टॉपिक है कि जिसके सुनकर हमें ख़ुद वो जज्बा मिलता है, क्योंकि हर जो मोमिन इंसान है वो चाहता है कि उसको ये मर्तबा मिले, शहादत का रुतबा मिले, और इसी की जस्तजू में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब उन्होंने करबला का रुख किया, जब करबला की तरफ जा रहे थे, तो आपने फरमाया कि मौत को मैं अपनी सआदत समझता हूँ, मैं जालिमों के साथ ज़िंदा रहने को तबाही समझता हूँ। और ये अगर हम इस जुमले को समझने की कोशिश करें तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की को जब ज़रबत लगती है तो इमाम फरमाते हैं फुस्तु बे रब्बिल काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये खानवादा ही ऐसा है कि जिस खानवादे का हर बच्चा बच्चा चाहता है कि उसको शहादत नसीब हो। मैं यहाँ पर सैयदा ज़िया बतूल साहिबा ये सवाल करना चाहती हूँ जो मेरे जहन में आता है बारहा, कि ये जो शहादत होती है और उसकी ख्वाहिश रख कर कुछ लोग जी रहे होते हैं, हर इंसान ना मौत के बारे में सोच रहा होता है ना शहीद होने के बारे में सोच रहा होता है, मगर कुछ ऐसे नफूस हैं कि जिनको अल्लाह सुबहाना वताला चुन लेता है, ये जज्बा क्या होता है और कहाँ से आता है? ये बड़ी अच्छी बात आपने की और ये आजकल की माओं और आज की जो नौजवान नस्ल है उसको इस पे वजाहत करना बहुत ज़रूरी है कि चूँकि जो खानवादा अहले बैत है, अहले बैत अतार हैं, ये हमारे लिए रोशनी का मंबा है। शहादत हो, हयात हो, ममात हो, कोई भी आपने सबक लेना है तो पलट कर उस घर की जानिब देखिए, आपके लिए हिदायत के रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो अब जैसे शहादत की हम बात करते हैं तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे नुरीद बात कर रही थी कि चूंकि सैयदो सरदार अंबिया थे और हर चीज़ जो है उनकी तक आते आते जो है वो औज कमाल को पहुँची, तो जो शहादत थी वो कैसे हो सकता था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस रिसालत के बाब में न लिखी जाती। बिल्कुल, तो उसमें शहादत का बाब इतना आला लिखा गया, इतना सुनहरी लिखा गया, और ये रोज़े अजल से तय था, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो आपने बात की कि कैसे पैदा होता है,
तो आप देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिस वक्त ज़हूर का वक्त है तो यही कहते हैं, वैसे तो ये वो नफूस हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये नूर सबसे पहले तख्लीक किए हैं, और इनका ज़हूर जो है वो जिस वक्त हुआ है ज़मीन पर और इनकी विलादत हुई है, तो आका करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया किया। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने जब पूछा कि बाबा जान मेरे बेटे की पैदाइश पे आपकी आंखों में आंसू क्यों, मैं क्यों देख रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि इसको जब आप मेरे पास लाई हैं, जब ये मेरे सामने आया उससे पहले जिब्राइल आ गए, ठीक, और फिर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जब बताया कि ये शहीद किए जाएंगे भूखे प्यासे, तो जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा जो हैं वो देखें उन्होंने पहले दिन से उनकी तरबियत ऐसे की है कि वो एक शहीद को पैदा करके शहीद को पाल रही हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो जनाब सैयदा फातिमा वो हैं जिसने हुसैन पाल के दिए हैं, कि वो जो पहले दिन से तय हो गया। इमाम अली जो है, मुझे एक शेर याद आ गया कि करो सलाम जहरा के आस्ताने को हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। तो असल बात यही है कि जनाब सैयदा फातिमा जहरा वो अब वो उस मकाम पर हैं कि जहाँ से हर माँ ये दर्स ले सकती है और ये समझ सकती है। देखें माँ को तो मालूम नहीं होता, ये तो वो हस्तियाँ थीं कि क्योंकि पैगम्बर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वही आई और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको फौरी तौर पर इस बात की खबर दे दी, और फिर आपको पता है वाकया करबला के बारे में भी ये तमाम चीज़ें पहले से मालूम थी हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी, सैयदा फातिमा जहरा को भी और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी, लेकिन उसके बावजूद चूँकि अल्लाह ताला की रज़ा ये थी उसमें, तो जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो दरअसल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही शहादत सिर्री व जारी है जिससे वो अपने तकमील को पहुँचती है नबुव्वत जो है, जो सैयद व सरदार अम्बिया का मकाम है। अब उसमें भी देखें वो पहले एक तो ये मरतबा तय हो गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूँकि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन हम के सामने, तो ये कैसे हो सकता था कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सैयद और सरदार अंबिया हैं और औजे कमाल उनको अता किया गया है हर सिफ्त में, तो फिर जो उनसे थे और वो उनसे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी शहादत भी उसी दर्जा कमाल को पहुंची, तो वो जो शहादत भी शहीदों में भी वो शाह शहीदान शश जिहाद हैं कि मतलब उनके जैसी शहादत जो है और फिर वो जैसी आजमाइशें उनकी थी, जैसा सब्र उन्होंने किया, जैसा जिहाद उन्होंने किया, वो कोई भी नहीं कर सका, क्योंकि वो देखें आपके ये जो 10 दिन हैं आशूरा के, जो 10 दिन हैं, या आप यकम मुहर्रम चलें, आप पीछे 28 रजब से ना चलें, आप यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक भी आ जाएं, तो हर शय से अल्लाह ने उनको आजमाया, खौफ से आजमाया, जान के खौफ से आजमाया, माल के जाने से आजमाया, फिर उनके साथ मुकद्दरात इस्मत थी, उनके अहले बैत अतहार थे, खवातीन थी, उनकी औलाद थी, हर किस्म के खौफ से, और उसके बाद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो असहाब हैं वो हम सबको बार बार शहादत का वही फ़लसफ़ा तो समझाते जाते हैं कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत कासिम से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि कासिम आपने मौत को कैसा पाते हैं आप, तो ये हज़रत कासिम का वो जुमला तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा है को वो कहते हैं कि चाचा जान मैं तो मौत को शहद से शीरी पाता हूँ। तो अब ये उनका जज्बा है। फिर आप देखें सिर्फ मर्दों में नहीं, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को आप देखें कि जब दरबार यजीद में और दरबार इब्ने साद में उनसे ये बार बार बातें की जाती हैं कि जी तुम्हारे भाइयों को शहीद कर दिया और देखो अल्लाह ने तुम्हारे मर्दों के साथ क्या किया, तो बीबी फरमाती हैं कि अल्लाह ने उन्हें शहादत का दर्जा दिया और शहादत जो है वो हमारे मर्दों की जीनत है, अल्लाह से हमने खैर के अलावा, अल्लाह से हमने जमाल के अलावा, बीबी फरमाती हैं कि हमने कुछ नहीं पाया। तो ये जो शहादत है दरअसल यही शाखसाना है उस तमाम जमाल का जो जमाल हक है और जो बंदे को खुदा तक ले जाती है। अभी आप इससे पहले एक बात कर रही थी कि जो खुदा को पाना है तो जो शहादत का मर्तबा शहीद लोग होते क्यों हैं, वो क्या पाते हैं, तो वो वहाँ तो जो पाते हैं कि खुदा जिसने पा लिया, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने खुदा को पा लिया तो उसका पीछे क्या रहा और जिसने खुदा को नहीं पाया तो उसने पाया क्या? तो आप ये देखें कि वो सिर्फ ज़ाहरी तौर पर नहीं, दुनियावी तौर पर भी आप देखिए कि वो जो किसी ने कहा है ना कि ना यजीद का वो सितम रहा ना ज़ियाद की वो जफा रही,
ना यजीद का वो सितम रहा ना ज़ियाद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। सुभान तो आप ये देखें कि फिर दुनियावी तौर पर भी बिल्कुल जो शहादत है वो आपको इस तरह से अमर कर देती है कि सिर्फ ये नहीं कि कुरान की जबान में आपको मना किया गया कि उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि इस जमानों की जो तारीख है वो साबित कर देती है कि वो मुर्दा होते ही नहीं है। ना आप उनका नाम मिटा सकते हैं, ना आप उनका मकाम मिटा सकते हैं। कहाँ कहाँ से नहीं गुजरी है तारीख करबला। लेकिन फिर देखें और भी जो ये क्यों शहीद होते हैं लोग और इससे क्या आपने हासिल करना, आप ये भी देखें कि वो जगह जो करबो बला कहलाती थी, करबो बला का मानी है इंतहाई अजियत दुख और वो बला और मुसीबत की जगह, फिर उसको किसने ट्रांसफॉर्म किया? शहादत ने और शहीदों के लहू ने, और शहीद भी वो जो खानवादाए रिसालत के शहीद थे जिनकी रगों में खूने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, खूने जनाब सैयदा फातिमा ज़ारा सैयदतुन निसाउल आलमीन था, जिनकी रगों में उसका खून था कि जिसको कुल हक कहा जाता है, कि जो हक का मजहर थी जो जात जनाब अली अलैहिस्सलाम का खून था, तो उस खून ने फिर उस करबला जैसी उस रेगजार को वो मकाम बख्शा कि वो आज आपकी नजरों में करबलाए मुअल्ला है। और देखें उसकी ज़ियारत का किस कदर सवाब है, और वो करबलाए मौला जो आज ज़मीन से आसमान वालों को वैसे ही दिखाई देती है जैसे ज़मीन वालों को आसमान के सितारे रोशन दिखाई देते, तो वहाँ जो खून चमकता है वो शहादत का खून है, वो उन शहीदों का खून है कि जिन्होंने वहाँ आकर हर किस्म की कुर्बानी देकर हक को हमेशा के लिए इस तरह से बुलंद कर दिया है कि आज हम जैसे कमज़ोर लोग जो दब जाते हैं अपने माली मफादात को देखते हुए, अपने मुआशरती दबाव को देखते हुए, अपने और मुआशी हालात को देखते हुए, मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हुए जो दबाव का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि जब लाखों का लश्कर भी हो तो इधर सिप्ते पैगंबर तन्हा हो तब भी हक जो है उसी की सर बुलंदी होती है। और बज़ाहिर उस वक्त सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कलम किया गया, लेकिन फिर वही यजीदी उसी सर को नेजों पर बुलंद करके चले और हमेशा के लिए वो सर बुलंद ही रहेगा। बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में बहुत ही खूबसूरत बयान फरमाया। बेशक जब हक के लिए अपने रब के लिए उसकी राह में उसके कलाम को, उसकी बात को, उसकी तालीमात को, उसकी शरीयत को, उसके पैगाम को दुनिया तक पहुँचाने के लिए जब ये नवासा रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले, तो किस तरह से आज भी वहाँ पर लब्बैक की सदाएँ। और मैं यहाँ पर सिर्फ एक बात कह के प्रोफेसर साहिबा की तरफ आगे बढ़ूंगी कि ये जो करबला मुअल्ला है कि जिसके बारे में आपने कहा कि फरिश्ते भी ऊपर से नीचे देखते हैं तो चमकते हुए सितारे नज़र आते हैं, तो क्यों ना नज़र आएं कि ये वो जनाब बीबी फातिमा ज़हरा की तस्बीह, अगर हम कहें कि ये इस तरह से उनके ख़ानदान के वो दाने हैं जो बिखरे हैं उस ज़मीन पर, जो सितारों की मानंद फरिश्तों को भी नज़र आते हैं। मैं प्रोफेसर साहिबा आपकी तरफ बढ़ते हुए, एक तो आपने जहाँ से अपनी गुफ्तगू को रोका था कि सआदत होती है, मगर सवाल मेरा यह है कि मैं चाहूँगी कि क्या सआदत हासिल होती है साथ, वो उसका तस्करा ज़रूर कीजिए, मगर जब इंसान ये फ़ैसला कर लेता है और ये ख्वाहिश कर लेता है कि मुझे अपने रब की राह में शहादत हासिल करनी है, तो उसकी ज़िंदगी भी एक शहीद की सी ज़िंदगी हो जाती है। तो क्या फिर उसकी ख्वाहिश, उसकी ख्वाहिश, अल्लाह तो जो अता करे सो करे, मगर क्या उसकी ख्वाहिश रहती है कि मुझे खुशनूदी रब के अलावा और कुछ मिले? बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने उरूज पूछा मुझसे। मैं अपनी गुज़श्ता से पैवस्ता बात को मुकम्मल करके फिर मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ। सात इनामात की हम बात कर रहे थे, आपने पूछा कि शहीद को मिलता क्या है, तो मैंने पहले आया करीमा कोट की फरीहीन, वो खुशी जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। सबसे पहले उनको वो खुशी मिलती है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदिल्लाहु ताला अन्हु के वालिदे गिरामी, जब वो शहीद हुए और जन्नत में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि बारी ताला यहाँ जो तेरी करम नवाजियाँ, तेरी अताएँ, तेरी मेहरबानियाँ हैं, जी चाहता है इनको जाके दुनिया वालों को बताऊँ, तो कोई तरीका नहीं ऐसा कि वापस जाके बता के आऊँ। अल्लाह ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को तिर्मिज़ी शरीफ की जो है वो रिवायत के मुताबिक उनको भेजा, और वला तहसबन अल्लज़ीना, ये वली आया करीमा जो है तफवीज़ की गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और फिर इस उम्मत को बताया गया कि ये मिलता क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि अहादीस के अंदर आया है कि शहीद जिस वक्त शहीद हो रहा होता है उसको दीदार इलाहिया से फैज़याब किया जाता है, और जो तकलीफ हम तो बज़ाहिर देखते हैं, तीर हैं, तलवार हैं, नेज़े हैं, ज़ख्म हैं, सैकड़ों की तादाद में, लेकिन
احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک چونٹی کے کاٹے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. وہ جو سیدنا علی اکبر علیہ السلام نے شہادت کو شہد سے شیریں فرمایا تھا نا, وہ انہی احادیث کی تفسیر میں سمجھتی ہوں آپ نے فرمائی. اب اس کے بعد جو سات چیزیں حدیث پاک میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کی, اس کے مطابق سب سے جو پہلی چیز یہ ہے کہ خون کا پہلا قطرہ ابھی اس کا شہید کا زمین پر نہیں گرتا کہ جنت میں اس کو اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہم اس دنیا میں آئے, جیسے میں بات کر رہی تھی, ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. اللہ نے اس مقصدیت میں ہمیں بتایا کہ چار کیٹیگریز میں چلے جانا, اس کے علاوہ کہیں نہ جانا. یہ انعام یافتہ بندے ہیں, انبیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خاتم النبیین, خاتم الرسل. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے مہر لگا دی کہ ہاں کہ یہ چیپٹر کلوز ہے. اب ان کے بعد تین کیٹیگریز بچ جاتی ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اب ان تینوں کے اندر ہم نے جو اگر شہادت کے مقام و مرتبے کو پانے کی کوشش کرنی ہے تو اس میں ہمارے انسینٹیوز اگر سامنے نہیں ہوں گے تو پھر ہم اس کے لیے کوشش بھی نہیں کریں گے. تو اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے. اب تیسری چیز ہے عذاب قبر سے اس کو بچا لیا جاتا ہے. چوتھی کیا, قیامت کے دن جو وحشت اور گھبراہٹ ہوگی بروز حشر, اللہ تعالیٰ اس سے مامون اور محفوظ فرما دیتا ہے. پانچویں کیا ہے, اس کے سر کے اوپر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے. ہم جو بات کریں نورانی مخلوق, وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو شہداء ہیں یہ جنت کے اندر اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں کے نیچے ان کے گھر ہیں, اور ان میں وہ سب پرندوں کی طرح رہتے ہیں, رزق پاتے ہیں, سیر و سیاحت کرتے ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے ان کو دو ذوالجناحین, دو پروں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہوئے ان کو دیکھا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ 72 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمایا جاتا ہے, اور وہ اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کا اہل ہوگا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ میں تو اپنی بخشش چاہتی ہوں اور میرے ساتھ اگر میرے خاندان کے 70 اور افراد کو بھی بخشش مل جائے. لیکن عروج یہاں میں جو ایک بہت درد دل کے ساتھ ایک قرآن کی آیت کا مفہوم رکھنا چاہوں گی. قرآن کریم میں ہم تو یہ پڑھتے ہیں, وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک هم المهتدون. ہمارے سامنے یہ آیہ کریمہ ہے. ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جان سے, مال سے, خوف سے, کچھ بھوک سے, کچھ پھلوں کی کمی سے ہمیں آزمانا ہے. اب اس کے بعد جو ہدایت والے لوگ ہیں, جو کامیاب لوگ ہیں, وہ یہی ہیں جو صبر والے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد روایت میں آتا ہے حدیث پاک کے اندر, اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو ہے وہ مسلمان ان کے اوپر دنیا کے دوسرے جو اقوام ہیں وہ اس طرح سے پل پڑیں گے, اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کے اوپر لپکتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تعداد میں کم نہیں ہوگے, مگر جو تمہارے اس وقت دلوں کے اندر سے جو ہے تمہاری زندگی سے روب کو نکال کر تمہارے دلوں میں وہن رکھ دیا جائے گا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ موت سے بھاگنا, یعنی موت سے ڈرنا, اور جو لمبی امیدیں اور جو زندگی سے محبت ہے یہ. اب آپ دیکھیے کہ ہم لالچ میں, لمبی امیدوں میں, زندگی میں پڑے ہیں, اور اس پر قرآن کی آیت دیکھیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اور نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ, تم ہی غالب رہو گے اگر تم کامل مومن ہو. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 وارننگ ہے. اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں جان لو, ہم نے تمہیں زندگی امانت کے طور پر دے کر بھیجی ہے. اگر یہ زندگی تمہیں تمہاری اولاد, تمہاری بیویاں, تمہارے مال و اسباب, تمہارے اونچے محلات, تمہارے بزنس, تمہارے گھوڑے سفر اور اس سے ریلیٹڈ ہیں, ان چیزوں سے زیادہ اگر قیمتی ہیں تو پھر اللہ کے غضب کا اور اس کے عذاب کا انتظار کرو. آج ہمارے جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, وہ اسی شہید ہونے کے لیے, وہ جو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, وہ جو ایک غازی کی زندگی کے اندر ایک جذبہ, ایک ولولہ, ایک جوش, جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی کہ یہ دن آتے ہیں تو کیوں ایک ایمان کو حلاوت
ताकत मिलती है, हरारत मिलती है, एक लाइफ स्टिरअप हो जाती है। बात वही है कि शहादा का खून अब तक हमारी इस उम्मत की रगों के अंदर जो है वो दौड़ रहा है। ये उसकी हिद्दत है कि फिर उसके बाद इंसान कहता है कि हमने जो अपनी आखिरी जिंदगी, अबदी जिंदगी की तरफ जाना है, वो हयात जावेदानी क्यों ना हो। और फिर उसके बाद उनको अल्लाह ताला कामयाबी का मयार बना के एक मुसलमान को बहादुर और निडर बनाना चाहता है। मुसलमान कभी कमज़ोर नहीं होता। बिल्कुल, और यही जज्बा, यही जोश, यही वलवला, जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने गुफ्तगू की, मेरा कलाम नहीं, मेरे आका का कलाम है, जिसका तस्करा अभी मेरी बहन प्रोफेसर नौरीद फातिमा ने भी किया, कि ये जो तस्करा, ये जो महफिल सजी है, ये जो मजलिस हम आपके सामने लेकर आए हैं, पेश कर रहे हैं, इसका मकसद ही ये है कि जो हमारे ज़मीर सो जाते हैं, जो हम दुनिया की रोशनियों के अंदर इस तरह से गुम हो जाते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, चुंधिया जाती हैं हमारी आँखें, हम इन शहदा का ज़िक्र सुन के, हम शहदाए करबला का ज़िक्र सुन के, हम उन माओं का तस्करा सुन के कि जिन्होंने अपने खून पसीने से किस तरह से मेहनत करके उन जवानों को, उन बच्चों को पाला, क्या तालीमात दी, ये सब जानकर अपनी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली ला सकें और उस हरारत को महसूस करते हुए अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें, कि जिसका तस्करा मेरे और आपके आका हमेशा किया करते थे, कि मेरे हुसैन की शहादत से लोगों के, मोमिनीन के दिलों में ऐसी हरारत पैदा होगी जो कभी ठंडी ना होगी। ऐ अल्लाह, हम तुझे वास्ता देते हैं तेरे रसूल का और उसके नवासे का, कि हमारे दिलों को बदल दे इस मुहर्रमुल हराम के सदके। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए, वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे पहुँचाएँगे। सलाम या हुसैन। हज़रात, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन मुहर्रम उल हराम की, सलाम शहदाए करबला। शहीदों का तस्करा है, शहादत की बात हो रही है, उसके मफहूम, उसकी अहमियत को हम जान रहे हैं और एक शहीद का क्या मकाम होता है रब्बे ज़ुलजलाल की बारगाह में। यहाँ पर एक हदीस मुबारका है कि जो शख्स सिदके दिल से शहादत का तलबगार होता है, वो उसे मिलकर ही रहती है, ख़्वा उसे नसीब भी ना हो। मकसद इसका कुछ इस तरह से कि वही मंजिलत हासिल होती है, अगरचा वो बिस्तर की मौत ही पर क्यों ना मर जाए। तो ये ख्वाहिश की बात है, ये वो कहते, मैं हमेशा ये बात समझती हूँ, मैंने इसको एक्सपीरियंस भी किया है, कि आप अपने रब से जो ख्वाहिश करते हैं, जो मांगते हैं, वो आपको वो ज़रूर अता करता है। अब सोचना ये है कि हम अपने रब की बारगाह में क्या मांग रहे हैं, किसके लिए अपने हाथ बुलंद कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर साहिबा चाहूँगी आपसे ही बात का आगाज़। एक शहीद जो इस यकीन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, इस ख्वाहिश के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है कि ऐ अल्लाह मुझे शहादत नसीब हो, तो क्या शहादत नसीब होने की ये जो दुआ है, उसके लिए क्या उसको कुछ चाहिए भी होता है, कोई मफादात भी उसके होते हैं अल्लाह से, या उसकी खुशनूदी काफ़ी होती है उसके लिए? मैं समझती हूँ शहीद को खालिसतन अल्लाह की रज़ा के अलावा और कुछ चाहिए नहीं होना चाहिए। बेशक, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि, मुख्तसर करूँगी मैं, कि तीन लोगों के बारे में आता है कि सखी को, कारी कुरान को और शहीद, और को, शहीद को। अच्छा, तीनों से बारी बारी एक ही तरह के सवालात होंगे कि भाई तुम्हें ज़िंदगी दी, तुमने उस ज़िंदगी को किस तरह से गुजारा और शुक्राना उसको इस नेमत का कैसे अदा किया। बिल्कुल ठीक। अब उसमें हम अपने टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ शहीद की बात कर लेते हैं, कि जब शहीद को लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि ऐ बंदे, तुझे मैंने ईमान की ताकत दी, कुरान की दौलत दी, अपने नबी की उम्मत में पैदा किया, जान दी, तू किस तरह से मेरा शुक्र करके आया? वो कहेगा, बारी ताला मैंने इधर उधर देखा, जान से ज़्यादा कीमती और कोई चीज़ नहीं थी, मैंने तेरी राह में अपनी जान निछावर कर दी। अल्लाह रब्बुल करीम फरमाएंगे, ये झूठ बोलता है, इसने जान मेरी खातिर नहीं दी, इसने जान इसलिए दी ताकि लोग इसको बहादुर, इसको सूरमा कहें, इसके तमगे मिले,
मिले इसको, इसकी वाह वाह हो, इसको अप्रिसिएशन मिले, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? फरिश्ते कहेंगे बारी ताला आपने सच फरमाया, और फिर अल्लाह ताला हुक्म देगा इसको ले जाओ और दोजख में डाल दो। अब सोचने की बात क्या है कि ख्वाहिश ये इतनी बड़ी है कि खातमुन नबीहीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि बार बार ख्वाहिश करें, तमन्ना करें, आरजू करें कि अल्लाह तो मुझे शहीद की मौत अता फरमा, मुझे फिर जिंदा कर, मुझे फिर शहीद कर, मुझे फिर जिंदा कर, मैं फिर तेरी राह में मारा जाऊं, कत्ल किया जाऊं, शहीद किया जाऊं, हत्ता कि चार मरतबा एक रिवायत में आता है आपने बार बार ये दुआ फरमाई। अब उसके बाद अगर कोई जान देता है तो किसी ने कहा था जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, जान भी तो उसी की दी हुई है, और अगर देनी है तो फिर जाया करके क्यों दी जाए, फिर लिवा झिल्ला क्यों ना दी जाए, जो सैयदा तो निसा रदियल्लाहु ताला फरमाया करती थी कि हम किसी से कोई अजर नहीं मांगते, हम किसी से कोई शुक्रिया कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहते, हम तो लिवा झिल्ला खिलाते हैं। यही पैरामीटर, यही उसूल एक शहीद के भी और एक मुसलमान और एक साहिब ईमान के मद्देनजर रहना चाहिए, ताकि जाना तो सब ने इस दुनिया से है, तो जब जाएं तो इन इनाम याफ्ता बंदों की जो है वो तकलीद में और इनकी पैरवी के अंदर अपनी जान को खालिक हकीकी के सुपुर्द इस तरह से करें कि मान भी रह जाए और जान भी चली। तो आपकी गुफ्तगू का और इस पूरे प्रोग्राम का जो निचोड़ मेरे जहन में आ रहा है, जो मेरे सामने वाजा हो रहा है, वो ये कि मेरे रब को, हमारे रब को हमसे जो चीज़ चाहिए, चाहे हम कारी कुरान हों, चाहे हम शहीद हों, चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, उसको मुखलिसी चाहिए, इखलास चाहिए, उसे इखलास चाहिए उसे, और अल्लाह सुभाना व तआला ये हम सबको अता फरमाए। मैं ज़िया बतूल साहिबा, प्रोग्राम का इख्तिताम है, मैं चाहूँगी आखिर में कोई पैगाम, कोई ऐसी गुफ्तगू, कोई हासिल प्रोग्राम क्या आप फरमाएंगी देखने वालों को? पैगाम देते हुए मैं उसी से रिलेट करूँगी जो भी नुरीद ने जिस आया मुबारक की तिलावत की थी, इन्ना लिल्लाहि इलैहि राजिऊन वाली आया मुबारक, इससे फिर एक और शहादत सामने आ जाती है, क्योंकि आज का हमारा मौजू ही फ़लसफ़ा शहादत है। तो जब ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा अलैहि सलाम की शहादत हुई है, तो हज़रत अली अलैहि सलाम अपने घोड़े पर सवार थे और जा रहे थे अपने जंग में, मसरूफ़ थे, तो किसी ने पास से गुज़रते हुए कहा कि हमज़ा शहीद हो गए। तो अब हज़रत अली का और उनका ताल्लुक़ किस तरह से था कि हज़रत अली अलैहि सलाम के वो चचा तो थे ही, वो रिश्ता तो था ही था, बेहद मोहब्बत थी, तलवार उन्होंने चलानी उनसे सीखी थी, और बहुत ही मतलब उनका एक मोहब्बत का ताल्लुक था। तो कितना दुख इंसान को होता है, लेकिन हज़रत अली करमल्ला वजह करीम फरमाते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के लिए और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो जो भी नफ्स, कुल्लो नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, जो नफ्स पैदा हुआ, जो भी आया, उसने मौत का जायका चखना ही चखना है। इसलिए इससे हमें यही दर्स मिलता है, इससे और यही पैगाम मिलता है जो हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम ने उस वक्त कहा था कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अगर दुनिया में हैं तो खुदा ही के लिए हैं, और जो अपनी हयात ऐसे बसर करता है, जो आपने बात की थी उसकी भी इसमें वजाहत हो जाएगी, कि जो शहादत के शौक में, जज्बा शहादत से लबरेज होकर ज़िंदगी गुजारता है, तो उसकी ज़िंदगी भी शहीद की ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी भी शहादत है, और उसकी मौत तो शहादत है ही है। तो इसलिए हमें उसी को जहन में रखना चाहिए कि हम अगर इस दुनिया में हैं भी खुदा के लिए, और यहाँ से जाएंगे भी तो खुदा के लिए। तो बस हमें उसी रास्ते को इख्तियार करना है जो अल्लाह ताला का रास्ता है। इन्ना हदायना हो सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, रास्ता हमारे सामने वाजे है, चाहें तो शुक्र करने वाले बन जाएं, चाहें तो कुफ्र करने वाले बन जाएं। जिन्होंने खुदा का शुक्र किया और इस सिरात मुस्तकीम को इख्तियार किया, उन्होंने फला पाई, उन्हीं का नाम बाकी रहा, और वही कामयाब करार पाए इस दुनिया में भी, और जन्नतें भी उन्हीं की मुश्ताक हैं। सुभान अल्लाह, बे इंतहा खूबसूरती से आपने गुफ्तगू को समेटा। मैं आप दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों की आमद का, आप लोगों के इल्म का। अल्लाह हमें इससे मुस्तफ़ीद इस तरह से कि हम अपनी ज़िंदगियों में इसको शामिल करें। बेइंतहा खूबसूरत गुफ्तगू की, मगर ज़िया बतूल साहिबा ने जो आखिर में बात की, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और वो बात यह है कि आपका अमल ऐसा हो जाए, आपकी नीयत ऐसी हो जाए, आप इतने मुखलिस हो जाएं अपने रब की रज़ा को हासिल करने के लिए, उसकी खुशनुदी को हासिल करने के लिए, कि जन्नत आपकी मुश्ताक हो जाए,
बस ये सोच कर इस नीयत के साथ जब हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे तो यकीनन यही शहदाए करबला हमारे लिए आइडियल हो जाएंगे, हमारे लिए मिसाल हो जाएंगे। ख़वातीन हुज़रात, आखिर में इससे पहले कि मैं अपनी बहन की तरफ बढ़ूँ, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि ये जो महीना है, क्योंकि आगाज़ मुहर्रमुल हराम है, ये जो महीना है इसकी सबसे बड़ी निस्बत बेशक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है, मगर इससे पहले भी हम सब जानते हैं कि ये निजात का महीना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल इसी महीने में हुई, जनाब नूह की कश्ती इसी महीने में पार लगी और उनकी कौम को निजात मिली, फिर बनी इसराइल को फिरौन से निजात भी इसी महीने में मिली, जनाब हज़रत यूनुस को भी मछली के पेट में इसी महीने से उनकी तौबा कबूल होकर उनको निजात हासिल हुई। तो ये अगर तमाम अम्बिया के लिए निजात का महीना है तो ये निजात का महीना है हम तमाम इंसानों के लिए, हम तमाम मुसलमानों के लिए, हम तमाम मोमिनीन के लिए। ए अल्लाह, अपने नबी की आल के सदक़े में हमें निजात अता कर और हमारे आमाल ऐसे कर दे कि इस महीने के सदक़े में हमें हमारे तमाम गुनाह माफ़ हो जाएं। इसी दुआ के साथ मैं आखिर में गुजारिश करूँगी मरियम मुनीर साहिबा से कि एक मनकबत हम सब के लिए पेश कीजिए। जिन्हें भी शहादत का रुतबा मिला है, जिन्हें भी शहादत का रुतबा मिला है, उन्हें हक ताला का जलवा मिला है, उन्हें हक ताला का जलवा मिला है। शहीदों को मिलती नई जिंदगी है, शहीदों को मिलती नई जिंदगी है, ये फरमान कुरान में लिखा मिला है, ये फरमान कुरान में लिखा मिला है। जिन्हें भी शहादत का रुतबा मिला है, किया तज़करा जब शहीदों का मैंने, किया तज़करा जब शहीदों का उजाला मिला है, मेरे कल्ब को भी उजाला मिला है। जिन्हें भी शहादत का रुतबा मिला है, हुए जो भी कुर्बान राह उन्हें खुल्द में आला दर्जा मिला है, उन्हें खुल्द में आला दर्जा मिला है। जिन्हें मंजिले कुर्ब साजिद मिली है, जिन्हें मंजिले कुर्ब साजिद खुदा से मुझे उनका सदका मिला है, खुदा से मुझे उनका सदका मिला है। जिन्हें भी शहादत का रुतबा मिला है, उन्हें